और इन सब के बीच देखिए मणिपुर को लेकर लगातार हंगामा जारी है। लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही है उसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर तरह की जो चर्चा आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। आइटम नंबर 14 खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी, सर विथ योर परमिशन आई राइज टू मूव दैट Bill further to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 be taken into consideration. Sunil Singh ji, माननीय सभापति महोदय, मैं खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक का 2023 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भारत में खनिजों की खोज और खनन लंबे समय से एक जटिल समस्या से बाधित रही, परंतु इस प्रक्रिया को सरल करने के दृष्टि से माननीय प्रधान, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है वो कृपया अपनी सीट पर जाए प्लीज। 2020 बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, अनेकों बहुत महत्वपूर्ण, उसमें भाग लीजिए, उसको सुनिए प्लीज। गो बैक टू योर सीट प्लीज, प्लीज कोऑपरेट विद द चेयर, ये सदन आपका है, कृपया आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, आयात की निर्भरता कम करने और स्ट्रेटेजिक रूप से इंडस्ट्रीज के प्रगति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें भारत के अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बैटरी क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर और विश्व स्तरीय बन सकेगा, इस दृष्टि से यह संशोधन किया जा रहा है। माननीय सभापति जी, इसके माध्यम से सरकार ने 6 खनिजों को तय सूची से हटाने का सुझाव दिया है, ताकि उनको परमाणु सूची से बाहर कर इन संशोधन के माध्यम से इनका महत्वपूर्ण रूप से खनन और खनिज पदार्थों के उत्पादन में तेजी आएगी, इसलिए इसके माध्यम से केंद्र सरकार को इसको रिलीज करने में भी मिलेगा। इस संशोधन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे क्षेत्रीय, वायुमंडलीय, ज्योग्राफिकल, भौर सूचक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक मैपिंग, पीटिंग, ट्रेचिंग, डिलिंग और भूतल से उत्खनन, इसमें सुविधा होगी और यह विधेयक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इस संशोधन से खनिज के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में अधिक इन्वेस्टमेंट होगा और इससे बेहतर बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास होगा, जिससे उत्पादन क्षमता। तो इस समय की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो बोल रहे हैं और इस समय लोकसभा में जिस बात पर चर्चा हो रही है, अगले हफ्ते दिल्ली सर्विस बिल आएगा। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने ये कहा है कि अगले हफ्ते दिल्ली सर्विस बिल लेकर आएंगे। उधर विपक्ष का लगातार हंगामा चल रहा है लोकसभा में, इसी बीच अगले हफ्ते दिल्ली सर्विस बिल आएगा। जो सभापति हैं उन्होंने अपील की है कि कार्यवाही जो है चल रही है उसको चलने दे, हंगामा ना करें, लेकिन विपक्ष लगातार पोस्टर लेकर, बैनर लेकर नारेबाजी कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है, विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। तो सदन के भीतर की बात करें या सदन के बाहर की बात करें, विपक्ष का जो आक्रामक रुख है वो लगातार बरकरार है। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है और विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है। संसद भवन के भीतर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और देखिए दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो कई सांसद हैं वो इंडिया फॉर मणिपुर जो पोस्टर बैनर है वो लहरा रहे हैं। कई सांसद सभापति के वेल के कुर्सी तक पहुंच गए हैं, कुछ लोग वेल में हैं और लगातार मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग हो रही। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है,
और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।